हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोहित ऋषभ वर्मा में। तो अभी हम नैनीताल में और आज हम नैनीताल में आपको एक ऐसा होटल दिखाएंगे जो बिल्कुल नैनी लेक के सामने है और मॉल रोड से वॉक इन डिस्टेंस पर, जो आपके बजट में आने के साथ साथ आपको प्लेजेंट और रिलैक्सिंग फीलिंग भी देगा। सारे ही रूम्स इसके लेक फेसिंग हैं और सारी अमेनिटीज के साथ जो एक अच्छे होटल में होती हैं। स्पेशियस रूम है इसके, फैमिली के साथ हॉलीडेज मनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होटल है ये, जो आपके बजट में आएगा। और इस होटल में आपको कुमाऊनी फूड भी मिलेगा, तो आपको लोकल कुजीन ट्राई करने के लिए भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में हम इनका बफे ब्रेकफास्ट भी दिखाएंगे आपको। तो इसके प्राइसेस कितने रहेंगे और इसकी लोकेशन क्या है और कार पार्किंग की फैसिलिटीज आपको मिलेगी या नहीं, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। और इसे आप कैसे बुक कर सकते हैं, वो सब हम आपको इस वीडियो में आज दिखाएंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बिना समय खराब करें स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो दोस्तों, होटल में अंदर जाने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी लोकेशन गाइड कर देती हूँ। जैसे ही आप नैनीताल बस स्टैंड से ठंडी सड़क की तरफ चलोगे तो लगभग 100 मीटर की वॉक के बाद ही आपको अपने लेफ्ट साइड पर केएम वेन का बोर्ड दिख जाएगा और इसके राइट साइड पर आपको नैनी लेक दिखेगी। तो दोस्तों, ये जो हमारा होटल है वो नैनीताल के तल्लीताल में है। और बात करें इसके कार पार्किंग की, तो ये जो आप रोड देख रहे हैं ये सिर्फ हमारे होटल के लिए ही जाती है, तो आप अपनी कार आराम से यहाँ पार्क कर सकते हो। थोड़ा सा ऊपर चलने के बाद आपको होटल का रिसेप्शन एरिया दिख जाएगा और यहाँ पर भी इन्होंने सिटिंग स्पेस काफी अच्छा बनाया हुआ है। आप यहाँ पर भी आराम से बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। तो जैसे ही आप रिसेप्शन से कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ोगे तो यहाँ आपको इनका रेस्टोरेंट दिख जाएगा। तो पहले मैं आपको रूम टूर दे देती हूँ, उसके बाद मैं आपको रेस्टोरेंट दिखाऊंगी। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, इनके जो रूम्स हैं वो सभी ऊपर के फ्लोर्स पर हैं और यहाँ आपको कोई लिफ्ट फैसिलिटी भी नहीं मिलेगी। अगर आपके साथ कोई एजेड पर्सन है जिन्हें ऊपर चढ़ने में दिक्कत होती है, तो आप होटल वालों से पहले ही बात करके नीचे के फ्लोर्स पे रूम ले लेना। वैसे हमारा जो रूम था वो टॉप फ्लोर पे था। तो अभी हम आ गए हैं अपने रूम में और आपको मैं एक छोटा सा रूम टूर अभी दे देती हूँ। तो जैसे ही आप रूम में एंटर करते हो तो आपको राइट साइड में कबर्ड दिखेगा, यहाँ पे आप अपना सामान आराम से रख सकते हो। इसी के साथ इन्होंने ड्रेसिंग टेबल दिया हुआ है, बेड भी किंग साइज बेड है ये, और इसी के साथ में इन्होंने दो सोफा चेयर भी रखी हुई है, तो आप आराम से बैठ के यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हो। बालकनी भी इनकी काफी स्पेशियस है और सामने ही आपको लेक का बहुत सुंदर व्यू देखने को मिलता है, तो आप अपने शाम को आराम से बालकनी में बैठ के एंजॉय कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, जो इन्होंने रूम में टीवी लगाया हुआ है वो स्मार्ट टीवी है, जो आजकल बहुत ही कम होटल्स में देखने को मिलता है। और वॉशरूम भी इनका काफी स्पेशियस है और साथ में बहुत ही नीट एंड क्लीन है। तो चलते हैं अब इनके रेस्टोरेंट की तरफ। आपको मैं इनका बफे ब्रेकफास्ट भी दिखाऊंगी और साथ में इनका कुमाऊनी फूड भी। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको पता होगा एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है और आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है और ज़्यादा नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में ही मैं आपको बुकिंग प्रोसेस बताऊँगी कैसे इसे बुक कर सकते हैं। और बात करें इनके ब्रेकफास्ट बफे के बारे में, जो जो इन्होंने आइटम हमें सर्व किए थे वो ब्रेड टोस्ट था, जैम था, बटर था, और इन्होंने हमें प्लेन पराठे के साथ अचार और काले चने की सब्जी भी सर्व की थी। साथ में पोहा भी था और ऑमलेट भी था, और टी और कॉफ़ी दोनों अवेलेबल थी इनके ब्रेकफास्ट में। और ये जो आइटम्स मैं आपको बता रही हूँ ये डेली बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। बफे इनका टेस्टी भी था और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी।
तो हमने यहाँ पर अपने खाने के लिए डिनर में कुमावनी फूड भी ऑर्डर किया था। अगर आप भी कुमावनी फूड खाना चाहते हो तो इफ़का ऑर्डर आप पहले ही प्लेस कर देना, क्योंकि इफ़की प्रिपरेशन में टाइम भी लगता है और ये जो कुमावनी फूड प्रिपेयर करते हैं वो सिर्फ आपके लिए ही करेंगे। तो हमने यहाँ पे जो ऑर्डर किया था वो हमने यहाँ पे कुमावनी रायता किया था, आलू के गुटके किए थे, दाल के बड़े किए थे जिसे इन्होंने भांग की चटनी के साथ सर्व किया था। साथ में इसके घट की दाल थी और मड़वा की रोटी थी। और ये सभी आइटम्स का जो हमारा बिल आया था ये हमने 3 पर्सन के लिए ऑर्डर किया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा 500 रुपये के करीब आया था। तो बात करें इसके बुकिंग प्रोसेस के बारे में, ये जो होटल है हमने वो KMVN की साइट से बुक कराया था, तो मैं फिर डिटेल प्रोसेस बता देती हूँ अब इसे कैसे बुक करा सकते हैं। सबसे पहले आपको KMVN बुकिंग लिख के गूगल पे सर्च करना होता है, फिर नीचे ही आपको KMVN की साइट दिख जाएगी। www.kmvn.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले नीचे सिटी का ऑप्शन आएगा। आप सिटी में जाके सबसे पहले सिटी को सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि नैनीताल। उसके बाद आप होटल को सिलेक्ट करेंगे, होटल यहाँ पे इनका जो है वो TRS तलीताल है। फिर उसके बाद आपको रूम कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, डबल बेड या 4 बेड आप बुक करना चाहते हो। फिर आपको चेक इन और चेकआउट डेट सिलेक्ट करनी होती है। फिर फाइंड में जाके आपको सर्च करना होता है कि उस डेट के लिए रूम अवेलेबल है या नहीं। फिर उसके बाद आप अपने ये डेट वगैरह दोबारे से रिकन्फर्म कर लेना कि आप कौन सी डेट के लिए और कौन सा रूम कैटेगरी करना चाहते हो। फिर नीचे ही आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद इनका डबल बेड में एग्जीक्यूटिव भी इनके पास अवेलेबल है और रॉयल बेड भी अवेलेबल रहता है, प्रीमियम कैटेगरी है जो इनके रूम्स की। तो हमने जो कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट की थी वो डबल बेड सुपर डिलक्स सिलेक्ट किया था, तो उसे आप सीधा बुक नाउ पे जाके क्लिक करेंगे तो प्रोसीड टू बुकिंग आ जाएगा। फिर प्रोसीड टू बुकिंग के बाद आप उसमें अपने नंबर ऑफ पर्सन आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितने लोगों के लिए ये बुकिंग करा रहे हैं, अगर कोई चाइल्ड है उसकी एज क्या है। फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पर्सन आपके साथ जा रहे हैं तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा पर्सन के चार्जेस अलग हैं जो कि उनके रूम के प्राइस का 20% एक्स्ट्रा होता है। फिर वहाँ पर जाके आप बुकिंग को कंटिन्यू करके अपने पेमेंट मोड पर सीधा चले जाएंगे और वहाँ से आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट करके इसे सीधा बुक कर सकते हैं। और दोस्तों जो हमने रूम बुक किया था वो डबल बेड सुपर डिलक्स किया था, जिसका प्राइस 2400 रुपये था फॉर 2 पर्सन और इसके अंदर इनका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। और दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो और साथ में ये होटल भी कैसा लगा इसे कमेंट में ज़रूर बताना और हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि उसमें ही हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट रहती हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी नैनीताल सीरीज के बाकी भी एपिसोड बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।